What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 13 नवंबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:08 हो रहा है। कल एक छुट्टी थी और आज अभी फिर से निफ्टी इंडेक्स इस वीक की शुरुआत करेगा। मंडे को हमने देखा एक स्लगिश मूव था पूरे दिन भर और लास्ट जब हाफ एन आवर बचा था तभी एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मंडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये मंडे का यानी 11 नवंबर आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राया मंडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो मंडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,943 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,887। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी ये जो ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ओपन हुआ तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। जैसे ही यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ और फिर से जब साउथ की तरफ मूव हुआ तो इसने हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक किया और फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया 11,862। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये पेनेट्रेट होते रहा, सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ। तो मंडे के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। और एक ज़रूरी बात है, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन लिंक आपको मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और आप मार्केट आवर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स देखे तो मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ। नासडैक भी कुछ खासा बढ़त नहीं दिखा पा रहा था और यूरोपियन मार्केट देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए थे। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स 228 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट में भी थोड़ा सा दबाव है, हांगकॉन्ग मार्केट 588 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 74 पॉइंट की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। जो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वहाँ पर अभी भी कुछ भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे सभी पार्टियाँ, तो राष्ट्रपति राजवट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। अभी 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अगर यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है तो फिर से री इलेक्शन यानी और खर्चा होगा गवर्नमेंट का, तो ये काफ़ी दिक्कत भरी बात हो सकती है। SGX निफ्टी 28 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल एशियाई बाजारों से ऐसे निगेटिव संकेत मिल रहे। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, देखते हैं आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली का निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 का ये जो लेवल है यहाँ पर एक हर्डल बन रहा है। 12,000 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है वीकली चार्ट में, तो 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है। अभी ये जो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है इसका 11,872 का ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर ये दिखाई देगा। अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और तभी हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा ये 20 EMA का पिंक जो लाइन है मूविंग एवरेज का, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा यानी 11,720 के पास हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। एक बार वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हमारी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ सकती है कि निफ्टी और भी ऊपर की तरफ हमें तेज़ी दिखा सकता है। जब तक ये 12,000 को कम्फर्टेबली ब्रेक नहीं करता, वीकली चार्ट में क्लोज नहीं करता, तब तक ये 12,000 के नीचे एक साइडवेज पैटर्न में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल अभी डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो ये अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तो काफ़ी यहाँ पर रिस्की साबित हो सकता है ट्रेड करना। मंडे को अगर आप ध्यान से देखें तो 2-3 दिन पहले ये 11,850 के लेवल से यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, फिर इसने मंडे को भी यहाँ पर 11,850 के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया,
तो ये अभी काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हो गया। अगर इससे ये ब्रेक करता है यानी 11,848 के नीचे अगर ये चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,827, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 ईएमए का, ये जो ग्रे लाइन है मूविंग एवरेज का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो कि 11,812 के पास है। तो ये सपोर्ट काफ़ी अभी क्रूशल होगा। अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो S1 का सपोर्ट है, बाद में ये जहाँ पर दो टाइम इसने सपोर्ट टेस्ट किया और भी एक बार किया था यहाँ पर, ये देखिए 1, 2 और 3, यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है ये ऐसे। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है, इसे ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये 20 ईएमए का मूविंग एवरेज का सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद R1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 11,946 के ऊपर, तो ही यहाँ पर इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,962, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट ये पिवट पॉइंट का R1 R2 का लेवल होगा जो कि 11,978 है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।